तो ये हूँ आज का मैं और ये हूँ फ्यूचर का मैं। आज वाला मैं हूँ गरीब और मेरे पास छोटा है घर, लेकिन कल वाला मैं होऊंगा अमीर जो है बिलियनर। मतलब ये है आम जिंदगी और ये है मेंटोर जिंदगी। हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज अपन बिलियनर बनने वाले हैं, ठीक है। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, बिलियनर बनने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो बेचना ही पड़ेगा। सबसे पहले मैं अपने इस छोटे से घर में देखता हूँ कि ऐसा कुछ बेचने लायक है या नहीं है, क्योंकि भाई बेच बेच के तो इंसान बड़ा बनता है। ओके, मैं समझ गया मैं क्या बेचने वाला हूँ। क्या बेचने वाले हैं? ये सामने जो डॉगी है इसे बेचूंगा मैं। यस, अरे बाप रे बाप, पैसे के लिए इंसान कुत्ते को भी बेच देता है। अरे तेरे को आज पता चला क्या यही चल रहा है भाई दुनिया में? चल चल चल, मैं तेरे को बेचूंगा। मास्टर ऐसा मत करो भाई, याद करो वो दिन जब हम दोनों साथ में उठते थे, बैठते थे, मैं पार्टी करता था, तुम साफ करते थे, वो सब भूल गए तुम? हाँ, अरे ऐसे दिन तो मुझे याद ही नहीं यार चॉप। चल चल चल, मैं तेरे को बेचूंगा यार। क्या सच बोल रहे हो? अरे पागल है क्या यार चॉप? सच बोल रहा हूँ मैं, समझा? मास्टर इस नन्ही नन्ही आंखों को देखो, क्या अब बेच पाओगे मुझे, बताओ? हाँ बेच दूंगा। यार गाइस मैं मजाक कर रहा हूँ, मतलब बस चॉप को डरा रहा हूँ यार। चॉप को डराने में जो मजा है वो बहुत ज्यादा है। देखो अपने आसपास इस घर में एक सोफा है, एक बैग है, एक ओके 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 गाइस, ये सूटकेस ब्रांड न्यू दिख रहा है और मेरे को पता भी नहीं है ये किसका है। तो मैं सोच रहा हूँ इस सूटकेस को अपन बेचते हैं, और इस सूटकेस से अपने को अगर 100 रुपए या 200 रुपए मिलते हैं तो अपन उससे सीधा सीधा कुछ बड़ा बिजनेस करेंगे और वहां से और बड़ा करेंगे। तो सबसे पहले अपन सूटकेस उठाते हैं। ऑलराइट गाइस, अभी चलते हैं अपन किसी ना किसी ऐसे बंदे को खोजते हैं जो कि हमारे ये सूटकेस लेने लायक दिखे अपने को, ठीक है। यहाँ तो ऐसा कोई नहीं दिखेगा। ओ भाई वेट, व्हाट, तुम कौन हो भाई? मैं हूँ बॉबी देवल, मुझसे दूर रहे, समझा? अरे भाई समझ गया समझ गया। अरे 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 भाई भाई भाई, मैं दूर जा रहा हूँ। ये क्या है भाई, बिजनेस की स्टार्टिंग तो बहुत ही क्रेजी हुई है। गाइस यहाँ पे भी कोई ऐसे बंदे नहीं है। देखो अपन जिस लोकेलिटी में रहते हैं वो लोकेलिटी में अपन जैसे बंदे हैं, ठीक है। तो यहाँ तो बेचने से रहे, अपन चलते हैं कोई एकदम अमीर वाली एरिया में चलते हैं, ठीक है। ऑलराइट अपन यहाँ पे आ चुके हैं। गाइस यहाँ पे देखो आसपास देख रहे हो आप लोग, ऐसे अमीर अमीर सी फीलिंग आ रही है मेरे को, अमीर से खुशबू आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं काम करता हूँ, इन भाई से पूछता हूँ। हेलो अंकल जी, नमस्ते, क्या आपको एक सूट के अच्छा ओके, इनको सूट की जरूरत नहीं है, ये तो कंफर्म हो गया। गाइस किसी को तो जरूरत होगी। अरे ये भाग रहा है भाई भाई भाई, एक सेकंड रुक, एक सेकंड रुक, तू बहुत हैंडसम लग रहा है। बाप रे क्या चश्मा है और क्या कट है भाई। ओ भाई शूज भी बहुत क्रेजी है। मैं ये बोला था भाई तेरे पास हर चीज तो है, पर मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि तेरे पास सूटकेस नहीं है घर पे और तेरे को भी ट्रैवल करना है? अरे हाँ, तुम्हें कैसे पता चला भाई? अरे मैं बस पता चल देता हूँ यार। तो देख मेरे पास एक ब्रांड न्यू सूटकेस है और ये सूटकेस मैं तुझे बहुत सस्ते में मात्र 200 रुपए में दे दूंगा, बता चाहिए तेरे को? रुको मुझे सोचने दो, क्या मुझे सूटकेस की असली में जरूरत है या फिर नहीं है? कहीं तुम मुझे चूना लगाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो? अरे मैं क्या चूना लगाऊंगा भाई, मैं पान वाला दिखता हूँ क्या तेरे को? एक काम कर, तू सूटकेस उठा, अगर तेरे को पसंद नहीं आया तो तू मुझे 2 दिन में वापस कर देना, ठीक है। मैं तेरे को 2 दिन तक का समय दे रहा हूँ, लेकिन पैसे भी देखे जाइयो भाई। अच्छा ये लो, रख लो 200 रुपए। ऑलराइट भाई ये ले सूटकेस। ऑलराइट गाइस मैंने 200 रुपए कमा लिए भाई अपने पहले ही ट्रेड से। गाइस अब अपन यहाँ से ना बहुत क्रेजी क्रेजी चीज करने वाले। अब इस 200 रुपए का मुझे क्या करना चाहिए? ऐसी कौन सी चीज लेके मैं बेचूं जो कि अच्छे दाम पे बिक जाए, या फिर ऐसा मैं क्या करूं जो कि मैं 200 का डबल कर सकूं, या फिर ट्रिपल, या फिर चौपल? देखो ये 200 रुपए बढ़ेगा या नहीं वो तो मेरे को नहीं पता, लेकिन मेरे को एक चीज पता है गाइस, वो लाइक का बटन जरूर बढ़ेगा। आपने लाइक नहीं किया तो लाइक करो यार, क्योंकि अब देखो आपको भी कांग्रेचुलेट करने का तो मन हो रहा होगा, भाई मैंने इतने खूबसूरती से 200 रुपए कमाए, तो आप लाइक कर दो फटाक से और मेरा कांग्रेचुलेट हो जाएगा वो। तो अब मैं चलता हूं गाइस आगे और देखते हैं उस 200 रुपए से अपन क्या कर सकते हैं। गाइस मेरे को कुछ समझ आ तो नहीं रहा है, एक मिनट वेट। गाइस रोड के उस पार वहां पे एक ठेला लगा है, ठीक है, और उस ठेले में वो बंदा क्या बेच रहा है, लेट्स सी। ऑलराइट ये यहां पे बेच रहा है ओके कोल्ड ड्रिंक्स। वेट गाइस अपन यहां पे नींबू पानी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह का स्टॉल तो लगा ही सकते हैं 200 रुपए में। गाइस देखो अपन क्या करेंगे। ओ यस, मेरे पास एक बहुत क्रेजी आइडिया है। गाइस देखो शिनचैन और चॉप कब काम आएंगे, मतलब वो लोग कभी तो जिंदगी में काम आए, हमेशा मेरे को दुख दिया है, हमेशा प्रॉब्लम, आज तो वो लोग का मैं पूरा ना निचोड़ ही लूंगा गाइस, मतलब मैंने जितने एहसान किए ना सब निचोड़ लूंगा। मेरे पास एक बहुत क्रेजी आइडिया, उस 200 रुपए का मैं नींबू लूंगा, पानी लूंगा, सोडा लूंगा और जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स आ जाए 200 रुपए में वो सब ले लूंगा भाई। A few moments later. Alright guys, हमने हमारा नींबू पानी का स्टोर खोल लिया। देखो अपने पास 200 रुपए थे, ठीक है, उसमें से इतने ही चीज आ पाई भाई, थोड़े से नींबू आए हैं, थोड़ा सा ये अपना डिस्पोजल है और उसके बाद हमने एक दो तैयार करके भी रखे, ठीक है। और हमने चला के क्या किया गाइस, यहाँ पे ना मेला है ना पीछे, तो अब मेला में तो भीड़ लगती है समय होने पे, तो गाइस अगर यहाँ पे भीड़ लगेगी तो कोई ना कोई तो नींबू पानी मांगने आएगा ही भाई, तो अपन उसी समय का वेट करते हैं। गाइस मुझे लग रहा था कि आइडिया बहुत क्रेजी है और ये काम करेगा, लेकिन बहुत देर बीत गई पर वहां पे कोई नहीं आया। मेरा शिनचैन नाचते नाचते थक गया, लेकिन एक बंदा नहीं दिखा गाइस, रात हो गई और अब मैं थोड़ा घबरा सा गया हूं गाइस, क्योंकि देखो हमारा जो 200 रुपए वो अपना आखिरी होप है और वो सारा 200 रुपए इस नींबू पानी के स्टॉल पे लगा है। अरे भाई शिनचैन
अर्जुन अब तू नाचना बंद कर सकता है यार। गाइस मैं तो बहुत ज्यादा थक गया था। चल कोई ना भाई, आज सो जाते हैं अपन, कल वापस आएंगे। गाइस मैं ना रात भर में एक क्रेजी प्लान सोचूंगा और फिर कल आऊंगा। लेकिन अगर आप भी चाहते हो कि मेरा नींबू पानी पूरा बिक जाए तो गाइस वो सब्सक्राइब कर दो। 1 subscribe = 1 नींबू पानी। दिना एक्सटेड गाइस, आज ना मेरे पास बहुत क्रेजी प्लान है। अभी 2 मिनट में देखना कितने बंदे इधर आएंगे, ठीक है? बस आप देखते रहना। अरे ये मेरे पीछे कौन सा डॉगी पड़ गया है? ओ डॉगी छोड़ मुझे, ओ डॉगी छोड़ मुझे। अरे यार ये तो मुझे बड़ा थका रहा है। ओ डॉगी हट जा डॉगी। अरे बाप रे अब जाकर हटा है, बड़ी प्यास लग रही है। अरे वाह नींबू पानी। ओ भैया एक नींबू पानी कितने का दिया? अरे मात्र 10 रुपए, आप बताइए तो कितने ग्लास कर दूं? अरे भैया एक हूँ तो एक दो गे ना, एक ही दो। अरे हाँ हाँ बस मैं ये नींबू नहीं छोड़ रहा हूँ। हाँ हो गया ये लो। ठीक है अभी पीकर बताता हूँ मैं। हमने तो आपसे पूछा ही नहीं है। अरे शिनचैन ऐसे बदतमीजी ना कर। पीने में तो बड़ा टेस्टी है, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहता। चलो ठीक है पैसे मेरे काउंटर में रख दिया, ठीक है? अरे हाँ हाँ बिल्कुल सही है गाइस, हमारा ये वाला प्लान तो काम कर रहा है। भाई चॉप को बोल देता हूँ, भाई यहाँ से हाथ हिला के बता देता हूँ मैं। ऑलराइट भाई, इतने से वो समझ जाएगा कि उसे क्या करना है। इसका मतलब जितने बंदे आएंगे मुझे सबको ऐसे ही दौड़ाना पड़ेगा। अरे भाई चलो कभी तक कुत्ते होने का मजा लूँ। हर दिन मैं गाली ही खाता हूँ, आज मैं सबको डांट भी खिलाऊंगा। देखता हूँ अगला शिकार कब आएगा मेरा। गाइस और इस प्लान के देखते देखते हमारे पास काफी सारे कस्टमर आ गए और धीरे धीरे हमने सबको नींबू पानी भी दे दिया। और ऐसा ही करते करते हमारा सारा नींबू पानी खत्म और सारे कस्टमर भी खत्म हो गए। भाई मुझे नहीं पता था कि नींबू पानी से इतने सारे पैसे कमाए जा सकते हैं। और हमने जो वो 200 रुपए इन्वेस्ट किए थे ना उससे हमें टोटल 500 रुपए मिल चुके हैं गाइस। अब वो 10-10 का नोट करके ज्यादा लग रहा होगा, पर गाइस अब अपन अगले बार क्या करने वाले कल के दिन के लिए एक बहुत क्रेजी प्लान सोचना पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले तो मैं पैसे बटोरता हूं और घर जाके सोते हैं। भाई आज बहुत थकान हो गई है। दी नेक्स्ट डे गाइस, मैंने कल रात भर बहुत सोचा यार, पर मेरे को कोई भी आइडिया नहीं मिला। अब मैं ये सोच रहा हूं कि आज मैं करूंगा क्या। एक मिनट, वहां पे एक बंदा दिख रहा है गाइस, ये शायद गिटार। ओ वेट गाइस, गिटार विटार बेचने से कुछ सीन हो सकता है क्या? पर 500 रुपए में कौन गिटार देगा, इसे पूछ के देता हूँ। हेलो भाई। ओ भाई साहब मुझसे बात कर रहा है क्या? हाँ तुझसे ही कर रहा हूँ। एक बात बता कि ये गिटार विटार कैसे दे रहा है तू? मेरे पास 500 रुपए है भाई, दे सकता है तो बता दे। 500 रुपए में तो आजकल मोजे भी नहीं आते हैं समझे। हाँ वैसे आ जाते हैं भाई, कौन से जीवन में जी रहा है तू, आ जाते हैं ठीक है। ये बताओ तुमको 500 रुपए चाहिए क्यों? अब कहानी थोड़ी लंबी है भाई, मेरे को बिलियनर बनना है और मेरे पास सिर्फ 100 दिन है ठीक है। और 100 दिन में से नहीं पता कितने दिन तो बीत गए, लेकिन मेरे पास अभी काफी कम दिन बचे हैं। भाई तू गिटार दे रहा है यानी, ज्यादा ना दिमाग मत खराब कर मेरा। 100 दिन में बिलियनर, सपना देखना बंद कर। ये गिटार बेच बेच के तू कभी बिलियनर नहीं बनेगा। मैं तुझे एक पुड़िया देता हूँ, उस पुड़िया को बेचेगा तो तू बिलियनर बन जाएगा। पुड़िया? कैसी पुड़िया देगा गाइस, ये क्या दे सकता है मेरे को? अच्छा चल ठीक है, तू मेरे को क्या पुड़िया देगा बता दे भाई। देखो मैं अभी तुम्हें जो पुड़िया दे रहा हूँ ना वो बहुत ज्यादा गुप्त है, तो आसपास कोई है तो मैं मुझे देखने दो। तुम किसी पुलिस वाले के बंदे तो नहीं हो ना? मैं पुलिस वाला का तेको कहां से लग रहा हूँ भाई, मेरे हेयर स्टाइल ने कुछ भी मत बोल है ना। अच्छा ठीक है, ला लो अपना हाथ दो, अभी मैं तुम्हें एक पुड़िया देता हूँ। अरे अरे नीचे गिर गया, जल्दी से उठाओ जल्दी उठाओ। ऑलराइट उठाता हूं, है क्या वैसे? अच्छा चल मैंने रख लिया, मैंने अपने शर्ट के नीचे दबाया। ऐसा तो कुछ नहीं है ना जो कि एकदम ज्यादा इलीगल हो, मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि पुलिस खोज ही रही है इसे। अरे मैं पुलिस तो कभी नहीं खोजती है, तुम जाके मत दे देना ठीक है। अरे भाई मैं पागल हूँ क्या? वैसे बता इसका प्राइस क्या होता है? अरे ये एक एक पुड़िया 1 लाख की बिकती है, 1 लाख की। ओ भाई ये 1 लाख की बिकती है, और तेको कितना पैसा देना पड़ेगा? अरे तुम बेच के तो आओ, तुम बेचो जितना मन करे उतना दे दो ठीक है। ऑल राइट मैं इसे बेच दूं, पर मेरे को बेचना कहाँ होगा, कौन खरीदने वाला है? अरे वो पीछे वाली स्ट्रीट में जाना, वहाँ पे बहुत सारे इसके बिकने वाले बंदे हैं ठीक है, उस स्ट्रीट में जाके मेरा नाम लेना। व्हाट? अच्छा चलो ठीक है भाई, मैं पीछे वाली स्ट्रीट में जाके इसका नाम ले लूंगा। लेकिन एक मिनट गाइस, इसका नाम क्या है? अरे भाई इसका नाम तो पूछ लूं। अरे कहाँ गया? व्हाट? अभी तो यही था। व्हाट? चलो ठीक है मिल जाएगा, क्योंकि उसको पैसे तो लेने के लिए वापस आए गए। वेल गाइस अपने को क्या करना? ओह शिट गाइस, यार वो पैकेट कहाँ गिरा? ओह ये रहा ये भाई, उठाओ उठाओ उठाओ। बाप रे बाल बाल बचा गाइस, आई होप किसी ने देखा ना हो। मैं फटाफट चलता हूँ भाई, ये पीछे वाली स्ट्रीट आ गई है। हेलो सर, आई फाउंड वन सस्पेक्ट, मेबी ही इज अ क्रिमिनल। ऑलराइट गो एंड फॉलो हिम। ओके सर। टुडे आई विल गेट My bonus. Guys, यार मैं जल्दी जल्दी ना यहाँ पे चुपचाप इस पुड़िया को बेचता हूँ। ओ यहाँ पे तो कोई नहीं दिख रहा है, उसने तो बोला था कि इसी रोड पे होंगे बंदे। ओ ये रहे गाइज, हो सकता है कि यही वो बंदे हो, पर अरे यार उसका नाम ही नहीं पता है मेरे को। अब मैं क्या बोलूंगा कि पुड़िया ले लो? भाई यार डर सा तो लग रहा है, पूछ के देखता हूँ। हेलो, क्या तुम लोगों को कोई पुड़िया के बारे में पता है? क्या पुड़िया? कैसी पुड़िया? किसने दी है पुड़िया? अरे वो एक बंदा है ना, अजीब सा है वो, मतलब मेरे को दी है पुड़िया। मैं तुमको नीचे गिरा के दिखा रहा हूँ, अगर तुम्हें लेनी हो तो मैं बता रहा हूँ 1 लाख में दे दूंगा मैं। हाँ ये देखो भाई, ये पुड़िया जल्दी से देख लो, लेना है तो ले लो।
अरे तू पागल है क्या, हमें फंसवाएगा, उठाने दे मुझे। रुक जा, हाँ यही है वो, सूंघने दे, यही है। ठीक है मैं तुझे 1,00,000 रुपए दे रहा हूँ, रुक जा। ए छोटू सूटकेस लेकर आ। ओ भाई ऑल राइट गाइज, इसमें मुझे 1,00,000 से भी ज्यादा पैसा ऐसा क्यों लग रहा है अब गाइज, ये पूरे के पूरे 1,00,000 मेरे। यस अच्छा नहीं, मुझे उसे भी तो देना है, पर गाइज मुझे तो पता ही नहीं कि वो कहाँ है। अब जब मुझे पता ही नहीं कि वो बंदा कहाँ है तो मैं उसे पैसे कहाँ से दूंगा। मैं सोच रहा हूँ मैं चुपचाप जाता हूँ घर, शिनचैन और चॉप को कुछ नहीं बताऊंगा, उनको बोलूंगा कि मैंने 1,00,000 रुपए कमा लिए। और गाइज देखो अपने को बिलियनेयर बनना है, अभी तो 100 दिन है, अभी थोड़ी कल ही थोड़ी बनना है बिलियनेयर, तो इस पैसे को मैं उड़ा देता हूँ। और भाई उसे जो जो क्रेजी क्रेजी चीज हो सकती है ना भाई, अपने कितने सारे काम करने थे गाइज, वो सारी क्रेजी चीजें कर लेंगे आज। सबसे पहले तो मैं घर जाके शिनचैन और चॉप को एक खुशखबरी देता हूँ भाई। ऑल राइट गाइज मैं घर आ गया, 1,00,000 से भी ज्यादा रुपए ले गए। ओ भाई एक बात बताओ, तुम में से जो जो तुमको जितने साल से खरीदना है ना, आज वो सब चीज तुम्हारी पूरी ख्वाहिश पूरी कर दूंगा मैं। ऐसा है क्या? तो सबसे पहले अपने बेकार बदबूदार कपड़े खरीदो मास्टर, इससे बहुत बदबू आती है। मैंने कभी कहा नहीं है पर बदबू काफी आती है। ऐसा है क्या? ऐसे इतनी सी बात, चल फिर यहाँ से जल्दी से निकलते और अपन चलते हैं क्लॉथिंग शॉप में, लेट्स गो। ऑल राइट हम लोग मॉल पे पहुंच चुके हैं गाइस, यहाँ पे लिटरली सब कुछ है। यहाँ पे कपड़े की शॉप है, जिम की शॉप है, आईफोन की शॉप है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स की है, गेम्स की शॉप है और बाथरूम की शॉप नहीं है पर बाथरूम भी है। चलो भाई तुम दोनों कुछ जो खरीदा जल्दी से ले लो, और याद रखना अपने पास 1,00,000 का ही बजट है, तो ऐसा नहीं कि तुम एक आईफोन ही खरीद खत्म कर दे रहे हो, ठीक ठाक चीजें लेना। मैं अपने लिए एक नए कपड़े लेकर आता हूँ भाई। ऑल राइट गाइस ये रही कपड़े की शॉप, यहाँ पे देखते हैं कोई क्रेजी सा कपड़ा मिल जाए, मजा आ जाएगा भाई। जब तू कह जाने की सोच रहे है? मैं तो सोच रहा हूँ कहीं खाने पीने की दुकान है तो वहाँ घुस जाऊँ और अपना मुंह मार दूँ। तुम कहाँ जाने वाले हो? मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं कोई इलेक्ट्रॉनिक की शॉप में जाऊँ, यहाँ पे गेमिंग की भी तो चीजें होगी। गाइस यहाँ तो बहुत सारी चीजें है, बड़ी बड़ी टीवी है, फिर कैमरा है, स्पीकर है। चलो मुझे क्या क्या लेना है मुझे पता चल गया है। मुझे मेरी मतलब की जगह मिल गई है, मैं सब में मुंह मारूंगा। गाइस सबसे बेहतरीन खाने की चीज ढूंढता हूँ और उसे खरीद के घर चला जाऊंगा। ऑल राइट गाइस मैंने कपड़े खरीद लिए, ठीक है 3, 2, 1 में अपन देखेंगे। 3, 2, 1 वेल कैसा लग रहा है? अगर आपको पसंद आ रहा है तो मेरे को एक बार कमेंट में बताओ, और नहीं आ रहा है तो भी बता दो, पर पसंद आया तो लाइक कर देना। अब मैं देखता हूँ ये दोनों का क्या सीन चल रहा है। ऑल राइट शिनचैन दिख क्यों नहीं रहा है मेरे को? ओके दिख गया भाई, तेरे को क्या पसंद आया यहाँ पे? अरिन भाई मैंने यहाँ पे एक आईफोन पसंद किया है। व्हाट? मैंने तेरे को मना किया था आईफोन पसंद करने से, कहाँ रखा है यार? ये देखो यहाँ पे तो एक से एक चीजें रखी है गाइस, अब इसने सीधा आईफोन ही पसंद कर लिया है। भाई शिनचैन अपने पास इतना पैसा है ही नहीं कि अपन आईफोन ले सके, ऐसा क्यों किया तूने? अरिन भाई मुझे लेना ही है, अगर मुझे नहीं लगी तो मैं घर नहीं जाऊंगा। अरे यार गाइस ये तो एक जिद्दी बच्चों की जैसे कर रहा है, अब मैं करूँ तो करूँ क्या? अपने पास 1,00,000 है, अभी आईफोन कितने वाला होगा पूछ लेता हूँ। भैया उसने पर्टिकुलर पीस चूज किया है, आप मेरे को टेक्निकलिटी मत बताओ, बस कितना प्राइस है ये बता दो। 50,000 रुपया। व्हाट 50,000? भाई यार शिनचैन ऐसा ना कर भाई, वरना दिक्कत हो जाएगी, अपन बहुत कुछ कर सकते हैं उसमें। अरिन भाई मुझे चाहिए, मतलब चाहिए, मैं बस और कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे अभी के अभी ले कर दो, समझे? गाइस गलती तो मेरी ही है, मैंने इन लोग को उकसा के लाया है कि जो चाहे ले लो ऐसा वैसा बोल के। चलो भैया वो आईफोन दे दो यार, और ये लो पैसे मैं ऑनलाइन ट्रांसफर कर देता हूँ आपको। ऑल राइट गाइस पैसे तो मेरे 50,000 ट्रांसफर हो गए, अपने पास 50,000 बचे हैं अभी, ठीक है ना? और आपको याद तो है ना हमारा बिलियनर वाला मिशन भाई, 100 दिन में बिलियनर बनना है अपने को। ऑल राइट चॉप एक बार बता तूने क्या क्या लिया है? मास्टर मैं उधर नहीं इधर हूँ। हाँ तूने, अरे भाई ये क्या? मैंने आधी दुकान ही ले ली। पागल हो गया क्या ये लोग? भाई यार इतने सारे सामान का हम करेंगे क्या यार? गाइस ऐसे तो हमारा पूरा पैसा खत्म हो जाएगा। भैया अपना टोटल कितना हो गया? 20,000 रुपया। 20,000? भाई पागल हो गया तुम लोग। गाइस यार ऐसे में तो दिक्कत हो जाएगी। भाई एक काम करो भैया, कुछ कुछ चीजें कम कर दो। यू आर अंडर अरेस्ट। अरे भाई जेल में डाल दिया यार, मुझे लग ही रहा था कि मुझे ऐसे गलत काम नहीं करने चाहिए, और अब देखो गाइस मैं कहां पे आ चुका हूं। मैंने वो इल्लीगल स्टफ, वो पुड़िया, वो क्या था यार मुझे पता भी नहीं था, उसके चलते मैं यहां फंस गया हूं। आप जरा सोचो, अभी मैं थोड़ी देर पहले बढ़िया 1,00,000 रुपए खर्च करके इधर उधर से मतलब अपन आईफोन उठा रहे मजे कर रहा था, और अब देखो भाई ये कौन सा बंदा है, ये कौन है भाई मेरे साथ, इसके साथ मुझे कई दिन गुजारने गाइस, मुझे पता भी नहीं है कितने टाइम तक मैं यहां रहने वाला हूं। और आपको याद है हमें 100 दिन में बिलियनर बनना था, हमारा वो चैलेंज अभी भी ऑन है गाइस, आप उसकी चिंता मत करना। कौन हल्ला कर रहा है? ओए तू अपना मुंह बंद रख, समझा? 100 दिन में बिलियनर बनेगा, कच्चा पहन के घूम रहा है तू, चुपचाप सो जा चल। अरे यार गाइस बहुत समय बीत गया लगता है, भाई ये तो सो भी रहा है, चलो ठीक है भाई मैं भी चुपचाप सो जाता हूँ। गाइस फिर जेल के दिन इतने मुश्किल से कट रहे थे, आधा दिन तो मैं सोता रहता था और फिर खाना खाता था और मैं फिर सो जाता था गाइस, ऐसे ही करते करते बहुत सारे दिन बीत गए, और मैं उसी दिन के वेट में था कि कब ये मेरा जेल जो है ये खत्म हो जाए और फिर मैं यहाँ से निकलूं। पर फाइनली 1 महीने बाद वो दिन आ गया भाई, फाइनली वो गार्ड आया
आया और उसने ताला खोला। गाइस मेरे जेल से छूटने का तो दिन आ गया था, पर मैं तो यही सोचा था कि मैं शिनचैन और चॉप को क्या मुंह दिखाऊंगा यार। आई मीन मैं उनके साथ बचपन से हूँ और उन्होंने मेरे को बहुत बड़ा अपना भाई समझा है, लेकिन आज मैं ऐसे जेल वेल में जाके ऐसे बुरे बुरे काम कर रहा हूँ, मैं तो बहुत परेशान था यार। पर चलो ऑफिसर ने बोला कि तुम जा सकते हो, तो फिर मैं निकलता हूँ गाइस वहां से बाहर। गाइस ये लोग ने मुझे मेरे कपड़े वपड़े भी नहीं लौटाए, बोल दिए कि वो सारे कपड़े फेंका गए। भाई ऐसे कैसे फेंका गए यार। लेकिन गाइस अब अपने पास बहुत कम दिन बचे, ऑलमोस्ट 50 से भी कम दिन है। लेकिन गाइस इस 50 दिन में हम लोग बिलियनर बन के रहेंगे। अभी हमारे पास जीरो चीजें, अपने पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। पहले अपने पास बहुत कुछ चीजें थी गाइस, घर वर था। अभी तो मैं शिनचैन चॉप से ऐसे नहीं मिलने जा सकता हूं गाइस, आप लोग मेरी हालत देखो, आई मीन ये दिखने लायक नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं एक्चुअल में बिलियनर बन के शिनचैन चॉप के पास जाऊं, तो आप जल्दी से उस चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। ऑलराइट गाइस अपने को कुछ ना कुछ तरीका ढूंढना ही पड़ेगा जिससे अपन बिलियनर बन जाए। लेकिन ऐसा क्या तरीका हो सकता है जो अपन 50 दिन में बिलियनर बन जाए? गाइस यार अब मेरे दिमाग में बहुत स्ट्रेस आ रहा है गाइस, मैं हिम्मत तो नहीं हार सकता। अभी फिलहाल तो मुझे चप्पल खरीदने पड़ेंगे, भाई पैर जल रहा है धूप से। एक मिनट रुक जाओ गाइस, ये क्या है भाई, ये कौन सी जगह है? ओके यहाँ पे भंगार पड़ा हुआ है। ओ वेट गाइस, क्या आप भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ? हाँ वैसे ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन गाइस मैं ये सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं इस कार को, मेरा एक दोस्त है मैकेनिक, ठीक है, उसका नाम मैं भूल गया, लेकिन मेरे को उसकी लोकेशन याद है। मैं ये सोच रहा हूँ गाइस कि मैं इस खटारे को जैसे जैसे करके ढुला ढुली के कुछ भी करके घसीट के ले जाऊं, या फिर उस मैकेनिक को यहाँ तक ले आऊं, दोनों में से कुछ भी ऐसा कर देता हूँ, और उसके बाद गाइस मैं इसको ना रिस्टोर करा के इसे बेच दूंगा और हो सकता है फिर अपन बिलियनर बन जाए। तो फट से वहां चलते हैं। ऑलराइट गाइस कई घंटे बाद मैं यहाँ पहुंच गया हूँ। अभी भाई ये मेरे को पहचानेगा कि नहीं, इसके पास जाके पूछता हूँ, भाई यही कहीं होगा। ओ बोरा, ओ भाई हेलो। ओए अभी कौन आ गया? ओए ओ आर्या, तुम तो मेरे पुराने दोस्त हो, ऐसा कैसे आना हुआ? और अरे दाढ़ी मूछ तो काटा करो। हाँ भाई दाढ़ी मूछ काटने का नहीं, मैं तुझसे एक फेवर मांगना चाहता हूँ यार। बाहर देख एक टूटी फूटी गाड़ी खड़ी है, तू उसको रिनोवेट करके कोई ऐसी गाड़ी बना सकता है जो मैं बेच दूं, और फिर बेचने के बाद तुझको पैसे दे दूंगा। तेरा भी फायदा मेरा भी फायदा। वैसे तो मुझे फायदा का बहुत ज्यादा वो नहीं है, क्योंकि तुम देखो मेरे शोरूम में अभी बहुत सारी गाड़ी रिपेयरिंग का खड़ा है, लेकिन मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा। अरे थैंक यू भाई थैंक यू, मैं अभी अंदर कर देता हूँ, तू रिस्टोर करना चालू कर, जितनी जल्दी हो सकता है रिस्टोर करके मेरे को दे दे, ठीक है, क्योंकि मुझे बहुत टेंशन है भाई, अपने पास काफी कम दिन है, तू जल्दी से कर दे भाई। अरे ठीक है ठीक है। ओ भाई ऑलराइट गाइस, लगता है अपने सारे मैकेनिक के साथ अच्छे से मेरी गाड़ी को रिस्टोर कर रहा है। भाई आई होप कि ये कोई अच्छी सी कार निकले ताकि मैं इसे रीसेल करके काफी प्रॉफिट कमा सकूं, और फिर गाइस अपना वो मिशन कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अभी तो मैं ज्यादा कुछ क्या ही कर सकता हूं भाई, एक काम करता हूं इसके शोरूम में अंदर जाके बैठ जाता हूं, क्योंकि यहां पे बहुत सारी देखने लायक भी कार है भाई। ओ भाई साहब, लेकिन चलो अभी तो अपन यहां पे वेटिंग रूम पे बैठेंगे। गाइस अब वो लोग मॉडिफाइड कर रहे थे और मेरे पास जाने की कोई और जगह नहीं थी, तो मैं वहीं पे बैठा रहा यार, और वहां बैठे बैठे काफी सारे दिन निकल गए और मुझे कोई बता ही ना रहा, और कम से कम वो इतना अच्छा था कि उसने अपनी जगह पे मुझे रुकने का समय दे दिया। और फिर कुछ दिन निकलने के बाद फाइनली भाई उसने कहा कि मॉडिफाइड हो गई है गाड़ी, रिस्टोर हो गई है। ऑलराइट गाइस अब चल के देखते हैं भाई, इतने देर इतने दिनों से मैं भूखा प्यासा बैठा हूँ, ये सोचिए कि वो कार ही मेरी। ओह वेट, ओह माय गॉड, व्हाट गाइस, भाई साहब ये तो लग ही नहीं रही है कि ऐसी कार थी। ओके ये कोई बहुत बड़ी सुपर कार तो नहीं है, लेकिन गाइस इससे जो मॉडिफाइड किया है उससे ये सुपर कार बन गई है। भाई यार रमेश तूने क्या ही मॉडिफाइड किया यार। रमेश नहीं रितेश। हाँ वही रितेश भाई, क्या मॉडिफाइड किया, मैं एक बार ट्राई करके देख लूं। हाँ ट्राई करके ले जाओ, और जब भेजोगे तो पैसा लाके देना है ना। अरे हाँ हाँ भाई बिल्कुल यार, क्यों नहीं लाके दूंगा। गाइस ये कार तो बहुत क्रेजी होगी, इसे तो मैं इजीली बेच सकता हूँ गाइस। जब मैं वो फटे पुराना सूटकेस बेच दिया था तो गाइस ये कार तो फिर भी इतनी क्रेजी है। ओ भाई चलती भी बहुत सही है। ओके मुझे ठोकना नहीं है इसे, चलो लेट्स गो इसे बेच के देखते हैं। और गाइस फिर थोड़ी ही देर में मैंने उस कार को बहुत आसानी से बेच दिया। भाई ये उसका नया मास्टर है, मतलब उसका नया ओनर है, और गाइस इसने मुझे काफी पैसे दिए। ये अपनी कार लेके निकल गया भाई और मुझे पैसे मिल गए। अभी तक तो मैंने गिना नहीं है इसे, मतलब लमसम है, पर फिर भी मैं इसे लेके चलता हूँ इधर से। अ फ्यू डेज लेटर, और फिर उन पैसों से मैंने खोला एक बहुत बड़ा कार शोरूम, और मैंने अकेले नहीं खोला है, वो जो अपना मैकेनिक भाई था ना रमेश, सॉरी रितेश, उसके साथ मैंने पार्टनरशिप में खोला है, और हमने थोड़ा बहुत लोन भी लिया जो कि हम चुका देंगे ऐसा हमें लग रहा है। वेल चलो मैं तो चुपचाप जाके काउंटर पे बैठता हूँ भाई, बाकी का तो रितेश देख लेगा। और फिर कुछ दिन बीत जाने के बाद उस शोरूम में कस्टमर की बाड़ी लग गई भाई, मतलब अंदर से लेकर बाहर तक बहुत सारे कस्टमर आने लगे हर दिन, और धीरे धीरे हमारी कार भी जाने लगी। अब हमारे पास बहुत ज्यादा कार बेचने को बची नहीं थी भाई, लेकिन फिर हमारी सारी कार बिक गई और हमारे पास बहुत सारा पैसा आ गया। और आपको याद है कि मैंने और मेरे दोस्त ने, हमने पार्टनरशिप में खरीदी थी, तो मैंने उसे बेच दिया और मैंने उसे सारा पैसा ले लिया, और फिर ऐसे मैं बन गया एक बिलियनर। अब मैं शिनचैन और चॉप आराम से रहते हैं भाई। तो ये थी अपनी वीडियो, पसंद आई तो लाइक करो, चैनल पे नए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब वाला बटन दबा दो। बाकी अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।